हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपको ये नए डिजाइन का टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है। देख सकते हो आप, मैंने इसका एंड नहीं किया है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं आपको पूरा बताऊंगी। तो प्लीज डिजाइन को समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्रोशिया की लुक देगा बनने के बाद। ये जाली वाला डिजाइन है और 6 कॉर्नर हैं इसके, 6 कॉर्नर हैं इसके। और देखिए, मैंने इसमें 3 कलर का यूज किया है। 3 कलर का यूज करने से फ्रेंड्स, आमने सामने हमारी ये कली बनके सामने आमने सामने कली इसमें बनती हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हो और आप इसको अलग अलग कलर में भी ये कली बना सकते हो। जैसे भी आपकी मर्जी हो वैसे आप इसको लुक दे सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको कैसे बनाया है मैं आपको बताऊंगी। जोड़े के हिसाब से फंदे डाल के और फ्रेंड्स उसमें एक फंदा आप प्लस कर लीजिए, वो हमारे किनारे का फंदा होगा और जोड़े के फंदे में हमारा ये डिजाइन चलेगा। तो देखिए, इसमें मैंने 21 फंदे डाले हैं। 21 फंदे पे मैं आपको बताऊंगी। और सिंपल फंदे डाले फ्रेंड्स, सिंगल धागे से। देखिए जैसे आप डालते हो बिल्कुल सिंपल, क्योंकि डबल धागा करने से ये लाइन नीचे की मोटी हो जाती है, फिर हम सिलाई करेंगे तो अलग से दिखाई देगी। देखिए बिल्कुल सिंपल मैंने इसमें फंदे डाले हैं और 2 रो मैंने एक सीधी तरफ से और एक उल्टी तरफ से इसमें बेसिक रो बनाई है। अब देखिए, हमारा डिजाइन स्टार्ट होता है। फर्स्ट वाला फंदा हम उतार लेंगे। ध्यान से देखिए, धागे को अपनी तरफ करेंगे और ध्यान से देखिए, 2 फंदे का हमने एक बार 2 फंदे बना लिए। फिर से धागा अपनी तरफ लेके आएंगे और एक बार फिर बना देंगे। ये हमने यहाँ पे 2 के 4 फंदे बना लिए। ये हमारा किनारे का है और ये हमारे 4 फंदे हैं। फिर से देखिए, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे में नीडल डाल लेंगे। ये देखिए, एक जाली से और एक 2 का 1 किया, ये हमारे 2 फंदे बन गए। फिर से धागा आगे करेंगे और एक बार फिर बना देंगे। इसी पैटर्न को आपने रिपीट करना एंड तक। ये देखिए, फिर देखिए आगे धागा किया, 2 फंदों का 1 किया, फिर दोबारा से 2 का 2 के, अब हमारे ये 4 बन गए। देखिए, 2 हमने 1 बार बना लिए, फिर धागा आगे किया और 2 हमने 1 बार फिर बना लिए। तो इसमें फंदे हमारे फ्रेंड्स, इस रो में हमारे फंदे डबल बन जाते हैं। देखिए, फिर से हम दोबारा से निडल डाल के और 2 और बना लिए। ये पूरी रो जितने भी आपके पास फंदे हों आप ऐसे ही बना लीजिए। ये देखिए, 2 बन गए और हमारे 2 और बन गए। ये देखिए, 2 के बन गए 4। एक बार 2 बना लिए, 2 2 फंदों का डिजाइन है ये। और फिर हमने 2 के 2 और बना लिए, 4 बन गए। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में 2 फंदे तो हम छोड़ देंगे और 2 पे और अपना डिजाइन बनाएंगे। 2 बना लिए, दोबारा से धागा आगे करके 2 और बना लिए। ये हमारे फंदे, ये देख सकते हो आप, डबल हो गए। और ये 2 फंदे फ्रेंड्स हम एंड में छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ध्यान से देखिए, अब हमारे ये डबल फंदे, अब हमने वापस अपने उतने ही फंदे बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे देखिए, 2 का 1 किया, फिर से 2 का 1 किया। ध्यान से देखिए, इसको आप ऐसे अगर टाइट लगे तो ऐसे निडला के लूज कर लीजिए। ये देखिए,
ये आपको जोड़े में दिखाई देंगे फंदे, और उनको ही आप दो का एक करना है। ये देखिए ये चार है, दो पहले वाले का हम इनको थोड़ा सा आप ऐसे, वैसे तो खुला खुला बनता है फ्रेंड्स, ये लूज लूज बनेगा डिजाइन आपका। ये देखिए, और दो ये देखिए, जितने हमारे फंदे थे उतने ही हमने वापस एक बार हमने सीधी तरफ से दो फंदों के चार फंदे बनाने हैं, और फिर उल्टी तरफ से वापस हमने चार फंदों के दो फंदे बना लेने हैं। देखिए और ये लास्ट वाला, और हमारा ये इसको हम बना लेंगे, और लास्ट वाले को फ्रेंड्स धागा पीछे करके इसको हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए दो रो हमने बना के कंप्लीट कर ली। एक बार देख डिजाइन हमारा दिखाई देने लग गया, एक बार और देखिए ध्यान से, इसको हम उतारेंगे धागा आगे करेंगे जैसे जाली बनाते हम, और दो का हम एक बना देंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और एक बार और हम बना देंगे तो तुम्हारे चार बन जाएंगे। फिर आगे किया, ये देखिए दो फंदे बन गए, आगे धागा करके दो और बना देंगे। इसी डिजाइन को आपने रिपीट करना है फ्रेंड्स, और पीछे आपने दो दो फंदे छोड़ते जाना है। ये देखिए फिर से आगे करेंगे, ये आपको अलग से दिखाई देंगे, इन्हीं पे आप डिजाइन बनाना। ये देखिए दो हमने पहले छोड़े थे और दो हम इस बार छोड़ देंगे, और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। फिर से हमने ऐसे ही रिपीट करना है, दो फंदों का एक बनाना है। एक रो में हम फंदे फ्रेंड्स डबल कर लेते हैं, लेकिन दूसरी ही रो में हमने अपने फंदे उतने ही वापस कर लेने हैं। ये देखिए, तो इस कली को फ्रेंड्स अब मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको, फिर ऊपर का बताऊंगी हमें क्या करना है। देखिए ये इतना मैंने डिजाइन आपको दिखा दिया, दो दो फंदे छोड़ के मैंने चार फंदे छोड़ लिए फ्रेंड्स। हर रो में मैं दो फंदे छोड़ के मैं बिल्कुल यहां तक आ जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी ऊपर हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स इतना हिस्सा हमारा ये यहां से लेके यहां तक हमारा ये बन जाएगा, उसके ऊपर का फिर मैं बताऊंगी कि ये हमारी ये शेप कैसे आएगी और ये आगे की कली हमारी कैसे बनेगी। तो फ्रेंड्स मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, आप भी कर लीजिए, फिर ऊपर का मैं बताऊंगी। देखिए यहां तक मैं बनाती हुई छोड़ती हुई आ गई हूँ, आप देख सकते हो हमारी कली की शेप बन गई है, और छोटे छोटे बीच में ये फ्लावर बन के कंप्लीट हुए। अब देखिए लास्ट के दो फंदे बचे हुए हैं, इसको हम ऐसे ही उतारेंगे
धागा आगे करेंगे और ये हम दो फंदों के चार बना लेंगे। ये हमने सारे छोड़ रखे हैं तो हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। वापस अपने हमने दो फंदे बना लिए। अब देखिए ये कली हमारी बनके कंप्लीट हुई। अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, पूरी हमने ये रो बना लेनी है ऐसे उल्टे उल्टे। जितने भी आपके प्रोजेक्ट में फंदे हों आप एंड तक सारे ही फंदे बना लीजिए। बड़ा खुला खुला डिजाइन बनेगा ये। थालपोस भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है इसका। क्रोशिया की लुक देगा ये बिल्कुल। ये देखिए एंड तक हम सारे फंदे बना लेंगे। ये देखिए इस साइड से भी हम इसको उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपके पास थोड़ी सी मोटी ऊन है तो आप मोटे नीडल यूज करिए। मैंने इसमें 9 नंबर की यूज की है क्योंकि ये डिजाइन खुला खुला ही अच्छा लगेगा जब ये इसकी लुक आएगी। ये देखिए ये सारे ही फंदे हमने बना के इस रो को कंप्लीट किया। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए। अब हमारा यहाँ पे ये कॉर्नर बनेगा और हमारा डिजाइन दोबारा से फिर से स्टार्ट होगा। तो कैसे होगा देखिए, ये फंदा हम उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, वैसे ही हम डिजाइन डालेंगे, दो फंदों के चार फंदे बनाएंगे। अब यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। जैसे हमने इसका एंड किया है ऐसे ही हम इसकी हम स्टार्टिंग करेंगे। ध्यान से देखिए, एक ही फ्लावर से हमने इसका एंड किया था, एंड में हमने एक फ्लावर बना के कंप्लीट किया था और ऐसे ही हमने इसकी स्टार्टिंग की है। एक फ्लावर हमने ले लिया, दोबारा से देखिए जैसे हमने फंदे छोड़े थे ऐसे ही हमने इसमें ऐड करने हैं। और आगे से दो फंदे पे हम और डिजाइन डाल लेंगे, दो दो फंदे इसमें हम ऐड करते जाएंगे। ये देखिए और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। किनारे वाले को हम एक बार और देखिए। देखिए ये हमारा कॉर्नर बनके तैयार हो गया। इसको इधर करेंगे, पैटर्न सेम रहेगा वही, दो फंदों के हम चार बनाएंगे, अलग से दिखाई देंगे आपको। देखिए इसके भी हमने दो के चार बना लिए और दो फंदे हम आगे से और ले लेंगे। हर बार दो दो फंदे हम इसमें ऐड करते जाएंगे। देखिए और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहां तक इसको बना लेती हूं। दो दो फंदे हमने हर बार ऐड करने हैं और वहीं से वापस मुड़ जाना है। ये देखिए तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं बताऊंगी ऊपर का डिजाइन हमें कैसे बनाना। देखिए ये सारी कली मैंने कंप्लीट कर ली है बना के। सारे फंदे मैंने दो दो करके सारे इसमें ऐड कर लिए हैं। लास्ट के मेरे दो फंदे बचे हुए हैं जो सबसे स्टार्टिंग में हमने छोड़े थे। तो देखिए इसको भी हम बना लेंगे। दो फंदों का दो बना लिया, दोबारा से दो और हम इसमें से बना लेंगे। ये देखिए
अब ये सारी रो बना के हम कंप्लीट करेंगे। चार फंदों के हमने दो फंदे बनाने हैं, दो का एक किया, फिर से दो का एक किया। जितने भी आपके पास फंदे हो, आप इस रो को ऐसे ही बना के कंप्लीट करिए। एक कली हमारी बन के फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई। अगर आपको सिंगल कलर से बनाना है तो आप इसको कंटिन्यू ऐसे ही बनाते रहिए। ये देखिए, ये कली हमारी बन गई। अब हमें एक रो ऐसे ही रिपीट करनी है राइट साइड से। रॉन्ग साइड से फिर हम पीछे की तरफ से दूसरा कलर इसमें ऐड करेंगे। तो ये जब भी आपकी ये कली हाफ बने, तब भी हमने बीच में एक रो ये उल्टी बना के कंप्लीट करना है, और जब ये कली कंप्लीट हो जाए तब भी हमने एक रो ऐसे ही इसमें निकालनी है। ये देखिए, और अगर फ्रेंड्स आपको इसी कलर से कंटिन्यू बनाना है जिससे आप बना रहे हो, तो एक रो उल्टी बना के और राइट साइड से फिर से वैसे ही जहां से हमने ऐसे स्टार्टिंग की थी इस डिजाइन को बनाने की, यहां से वैसे ही इसको यहां से ऊपर से स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको दूसरा कलर ऐड करना है तो हम यहीं से इसमें सेकेंड कलर इसमें ऐड करेंगे। तो सेकेंड कलर मैं आपको दिखाऊंगी हम कैसे ऐड करेंगे। इसकी मैं यहाँ पे नोट लगा दूंगी बाद में। ये रो हम इस कलर से बना के कंप्लीट करेंगे। जब भी फ्रेंड्स आप कलर लगाओ तो आप बैक साइड से इसमें कलर लगाइए, राइट साइड से फिर हम अपना डिजाइन स्टार्ट कर देंगे। देखिए, कलर हमने इसमें दूसरा ऐड कर लिया, ये देख सकते हो आप। अब इसको हम ध्यान से देखिए, इसको हम उतारेंगे और ये हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। देखिए, दो फंदों का चार किया, फिर से दो फंदों का हमने चार करना है। ये दूसरी कली की हमारी स्टार्टिंग हो गई। एक बार और इस रो को ध्यान से देख लीजिए। दो फंदों के दो बना लिए, दोबारा से दो और बना लिए, चार बन गए। ये देखिए, और लास्ट में हम दो फंदे छोड़ देंगे। दो और पे हम डिजाइन डालेंगे। ये देखिए,
लास्ट में दो फंदे छोड़ देंगे। ये सेकंड कली की हमारी स्टार्टिंग हो गई और पीछे से हम दो का एक ऐसे ही करके इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बनके कंप्लीट हो गई एक कली। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, ये मैंने इसका एंड नहीं किया फ्रेंड्स, आप ऐसे ही बना के यहाँ तक आ जाइए। इसमें आपके ये देखिए 6 फ्लावर बनेंगे, ये आप देख सकते हो 6 फ्लावर मेरे बने हुए हैं। 6 फ्लावर बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया, सारे ही फंदे मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं दोबारा। अब हम इन फंदों को बंद करेंगे। तो देखिए दो का एक किया, फिर से इसमें डाल लेंगे और फिर से दो का एक कर देंगे। एंड में आपको सारे ही फंदे बंद करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, फंदे हमारे बंद हो गए, तो मैं इनको यहाँ तक बंद कर लेती हूँ, उसके बाद फिर ऊपर दिखाऊंगी हमें क्या करना है। देखिए लास्ट का फंदा मेरा बचा हुआ है, इसको भी हम बना के कंप्लीट करेंगे और इसको फ्रेंड्स मैं इसमें से निकाल के मैं ये पक्का कर दूंगी। ये देखिए, ये फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसकी सिलाई कर देंगे, यहाँ से मैं इसकी सिलाई कर दूंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपका मन करे तो इसके ऊपर जैसे ये फ्लावर है, मैं यहाँ पे बीच में एक फ्लावर इसमें लगा दूंगी, तो इसकी बहुत ही प्यारी लुक आएगी। और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही प्यारा डिजाइन है, बड़ा खुला खुला बन के जल्दी जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, थालपोस भी आप इसका बना सकते हो, थोड़ा सा और बड़ा बना के पूजा का आसन भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी डिजाइन में आपको प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।